भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वनडे विश्व कप के पांचवें मुकाबले में आज जबरदस्त बल्ले और गेंद की जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ टीम इंडिया के गेंदबाज सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि भारत को शुरुआती विकेट तीसरे ओवर में मिली थी, जब खतरनाक मिच मार्श को जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली के हाथों फर्स्ट स्लिप में कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा था। लेकिन इसके बाद पारी को संवारा और संभाला है डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ ने। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी कर दी है और करीब 13 ओवरों के अंदर 60 के आसपास का स्कोर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बना लिया है। भारत की गेंदबाजी की बात की जाए तो भारत ने अब तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 11 रन 1 विकेट, मोहम्मद सिराज 3 ओवर 1 मैडन 9 रन कोई सफलता नहीं, हार्दिक पांड्या 2 ओवर 21 रन कोई सफलता नहीं, रविचंद्रन अश्विन 3 ओवर 13 रन कोई सफलता नहीं। भारत के पास मौका है यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन करने का। खास बात यह है कि टीम इंडिया को अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो फिर यहाँ पर कुछ अलग प्रदर्शन करके दिखाना होगा। कुलदीप यादव को फिलहाल मैदान पर लाया गया है गेंदबाजी के लिए। कुलदीप यादव किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन स्मिथ और वार्नर की सीनियर जोड़ी ने यहाँ पर धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए पूरे तरीके से भारत के खतरनाक गेंदबाजी अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया। ऐसा लगा कि जब भारत ने यहाँ पर पहला विकेट जब गिराया था तो शायद लगा कि 2-3 विकेटें भारत को और मिल जाएंगी, लेकिन वो विकेटें लेने में असफल अभी तक साबित हुए हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।